तो ये जो टाइनी बम्स होते ना, जिसे हम लोग हिंदी में दाने बोलते, ये ना ही जेनेटिकली होते ना ही हॉर्मोनली होते, सिर्फ और सिर्फ स्किन के ठीक से केयर ना करने की वजह से हो जाते। और अगर आप इन्हें टाइम पे ट्रीट नहीं करोगे, सही ट्रीटमेंट नहीं दोगे ना, तो इन फ्यूचर ये ग्रेड 3 ग्रेड 4 जैसे सीवियर टाइप के एक्ने भी बन जाते। इसीलिए इन्हें टाइम पे ट्रीट करना और सही ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ टाइनी बम्स के लिए, जिससे आपको रिजल्ट्स भी बहुत फास्ट मिलेंगे, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला। तो अगर आपकी स्किन के ऊपर टाइनी बम्स है, आप नहीं चाहते इन फ्यूचर आपकी स्किन कुछ ऐसी दिखाई दे, तो बने रहिए वीडियो पे। और हाँ, आज की वीडियो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पुम, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ना ही जेनेटिकली ना ही हॉर्मोनली एक्ने, सिर्फ और सिर्फ स्किन की ठीक से केयर ना करने की वजह से बहुत सीवियर टाइप के एक्ने हो चुके हैं। क्या होता है पता है, पिवर्टल एज में हम सभी का स्किन टेक्सचर चेंज हो जाता है। अगर आपकी स्किन ऑयली बन जाती है ना, तो ऑयली स्किन के ऊपर डर्ट डस्ट बहुत जल्दी चिपक जाती है, और ऑयली स्किन वालों के पोर्स भी जो होते हैं ना स्किन के, थोड़े बड़े होते हैं। भले ही आप अपने घर के अंदर भी रहते होगे, लेकिन आप सनलाइट में देख लेना, हमारे घर के अंदर भी बहुत डर्ट डस्ट ऐसी उड़ती रहती है ऑयली स्किन होने की वजह से। वो डर्ट डस्ट हमारे स्किन पे जाके चिपक जाती है और पोर्स को ब्लॉक कर देती है। इंडिया में मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करते, जो नहाने का सोप आता है ना उससे अपने फेस को वॉश करते, या फिर कोई सस्ता फेस वॉश यूज करते जो स्किन को ठीक से क्लीन नहीं कर पाता। स्किन को ठीक से क्लीन ना करने की वजह से आपको हो जाते हैं ब्लैक हेड व्हाइट हेड, और ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स पे तो आप लोग कुछ खास ध्यान नहीं देते हो, उसे इग्नोर करते हो, वो कन्वर्ट होकर टाइनी बम्स बन जाते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो टाइनी बम्स को भी ट्रीट नहीं करते, उसे भी ऐसे ही छोड़ देते। और गाइस, टाइनी बम्स भी ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल टाइनी बम जिसे हम लोग हिंदी में दाने बोलते हैं, और जब उन टाइनी बम्स के अंदर पस भरने लग जाते हैं ना उसे कहते हैं पस्ट्यूल्स, और जब पस्ट्यूल्स के अंदर इन्फ्लोमेशन आ जाती है वो बन जाता है ग्रेड 1 एक्ने। अगर आपकी स्किन पे एक बार ग्रेड 1 एक्ने हो गए ना, कब वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक्ने को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इसे रिमूव कर भी दोगे ना तो ये बार बार आता रहता है। मतलब अगर आप लोगों ने सही टाइम पे सिर्फ एक सही फेस वॉश यूज कर लिया होता ना, आज आपकी स्किन की हालत कुछ ऐसी नहीं होती। वेल, जो भी रीजन था, आपको नहीं पता था इन सब चीजों के बारे में। अगर आपको बहुत ही सीवियर टाइप के एक्ने हो चुके, तो सीवियर एक्ने के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाई है, चैनल पे चेक कर लेना। अगर आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स है, तो इस टॉपिक को भी मैंने एक वीडियो में कवर किया था, यहीं कहीं आसपास लिंक कर दूंगा, आप लोग जाके चेक कर लेना। लेकिन अगर आप अभी बीच वाली स्टेज पे हो, मतलब टाइनी बम्स के ऊपर, तो इसे कैसे रिमूव करना है आइए बात करते हैं। तो अगर आपकी स्किन के ऊपर टाइनी बम्स है ना, सबसे पहले टिप मैं आपको यही दूंगा कि मेक श्योर जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो नॉन कॉमोडोजेनिक हो। क्या होता है पता है, डेली बेसिस पे जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे कोई फेस वॉश हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, सनस्क्रीन हो गई, नाइट क्रीम वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट ना स्किन के पोर्स के अंदर अटक के रह जाते हैं। फेस वॉश करने के बाद भी ये रिमूव नहीं होते और पोर्स को ब्लॉक कर देते। टाइनी बम्स और ब्लैक हेड व्हाइट हेड होने का सबसे बड़ा रीजन ब्लॉक पोर्स ही होता है गाइस। जो नॉन कॉमोडोजेनिक प्रोडक्ट होते ना, ये नॉर्मल वाटर से भी रिमूव हो जाते, स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करते। इसीलिए डेली बेसिस पे जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि वो नॉन कॉमोडोजेनिक ही हो। अब जो सेकंड टिप मैं आपको दूंगा वो ये है कि ऑलरेडी आपकी स्किन के पोर्स जो ब्लॉक हो चुके ना, उन्हें आपको अनब्लॉक करना है, ताकि आपके टाइनी बम्स जो है वो बढ़े ना। इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश, क्योंकि यही वो दो इंग्रेडिएंट है जो स्किन के पोर्स को डीपली क्लेंस करते हैं, स्किन के पोर्स में जमा गंदगी को साफ करेंगे और आपके जो टाइनी बम्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। तो जो भी अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छे ब्रांड के सैलिसिलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश मिल रहे ना, लिंक दे दूंगा मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन। दिन में दो टाइम आपको फेस वॉश करना है, फेस वॉश से रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, और हर दो घंटे के बाद ना घर का जो नॉर्मल वाटर आता है उससे भी आप अपना फेस वॉश करते रहना, ताकि जो ऑयल है आपकी स्किन पे वो क्लियर हो जाए और डर्ट डस्ट आपकी स्किन पे चिपके ही ना। अब जो सेकंड प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है एक स्क्रबर, क्योंकि क्या होता है पता है, देखो सैलिसिलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश बहुत इफेक्टिव होते हैं, स्किन के पोर्स को तो क्लीन कर देते, लेकिन कुछ लोगों की स्किन को ना ड्राई बना देते। अगर आपकी स्किन ड्राई हो गई ना, तो वो बहुत सारे डेड स्किन के शेल को श्रेड करेगी, वो डेड स्किन के शेल्स जो आपके स्किन के पोर्स में जाके अटक सकते उन्हें ब्लॉक कर सकते, इसलिए उन्हें रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। उन्हें रिमूव करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्क्रबर को। मैं आपको रेकमेंड करूंगा उस तरह का D10 स्क्रब, इसमें वॉलनट ग्रेन्यूल्स है, कंप्लीटली ये डेड स्किन शेल्स को रिमूव कर देता है और स्किन को क्लियर और एकदम स्मूथ बना देता है। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे बहुत ही सीवियर टाइप के टाइनी बम्स हो चुके ना, देन आपको स्क्रबर को अवॉइड करना है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल टाइनी बम्स है या फिर ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है, तब आप स्क्रबर को यूज कर सकते हो। और इसे यूज करना ना गाइस एकदम भी ऑप्शनल है। अगर आपका बजट नहीं है कोई बात नहीं, मत यूज करो, लेकिन अगर आपका बजट है तो मैं आपको इसे रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसे यूज करने से ना आपकी स्किन क्लियर रहेगी और रिजल्ट्स भी आपको थोड़े फास्ट मिलेंगे। तो स्क्रबर की जो परचेस लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, अगर आपको परचेस करना होगा तो चेक कर लेना। अगर आपके जो टाइनी बम्स वो पस्ट्यूल में कन्वर्ट हो चुके, उनके अंदर इन्फ्लोमेशन आ चुकी है, तो आपको यूज करना पड़ेगा बेंजोइल पेरोक्साइड जेल 2.5%, क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड जेल एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों का काम करता है,
बहुत ही जल्दी आपके टाइनी बम्स को रिमूव कर देगा। ओनली 80 रुपीज इसकी प्राइस होती है, हर एक मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाता है, रिजल्ट्स भी बहुत फास्ट देते हैं। तो रात के वक्त जब आप अपना फेस वॉश कर लोगे ना फेस वॉश से, तो फेस को ड्राई कर लेने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको इस जेल को लेना है, जहां जहां पे आपको टाइनी बम्स है ओनली उसी एरिया पे आपको डैप डैप करना है, रब नहीं करना है जोर जोर से। आप इसे चाहो तो 2 घंटे भी रख सकते हो, ओवरनाइट भी रख सकते हो, लेकिन बेंजोइल पेरोक्साइड जेल को यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर ले, क्योंकि काफी लोगों को इसके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जो मेडिकेशन मैंने आपको बताया, जो टिप्स आपको दी, अगर आप इन टिप्स और मेडिकेशन को 3-4 हफ्ते भी फॉलो करोगे ना रेगुलरली, तो 70-80% जो आपके टाइनी बम्स है गारंटीड रिमूव हो जाएगी। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाओगे ना, जैसे पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, हैवी फूड कंज्यूम मत करो, डेली 8 घंटे की नींद कंप्लीट करो, एक्सेसिव मास्टरबेट मत करो, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल और मेडिकेशन दोनों को बैलेंस में करके चलोगे ना, आपके जो टाइनी बम्स है 100% रिमूव हो जाएंगे, वो भी 1 महीने के अंदर ही। अब आप लोग एक गलती पता है क्या करते हो, देखो स्टार्टिंग में तो अपनी स्किन पे ध्यान नहीं देते हो, आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड होते आप लोग इग्नोर करते हो, टाइनी बम्स होते आप लोग इग्नोर करते हो, आपकी स्किन पे जब ग्रेड 3 ग्रेड 4 जैसे सीवियर टाइप के एक्ने हो जाते ना, आप लोग एकदम से एक्शन में आ जाते हो, इंटरनेट पे आके 10 वीडियोस देखते हो, उन वीडियोस को देख के 10 चीज़ें अपनी स्किन पे यूज करने लग जाते हो, जिससे आपकी स्किन बस इरिटेट होती है, प्रॉब्लम कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। आप लोग स्ट्रेस में आ जाते हो, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है पता है, आपकी स्किन प्रॉब्लम तो बढ़ती है, साथ ही साथ हेयर फॉल होने लगता है, डार्क सर्कल हो जाते हैं, नींद नहीं आती है ना। और कभी कभार ना आप लोग सही ट्रीटमेंट तो ले रहे होते हो, लेकिन आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, आप लोग कंफ्यूज होते हो, क्या ट्रीटमेंट वर्क करेगा नहीं करेगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, ये सोचते रहते हो और ट्रीटमेंट को ज्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते, 1-2 हफ्ते उस ट्रीटमेंट को फॉलो करने के बाद छोड़ देते हो। आई होप आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि सभी के साथ ऐसा होता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो देखो कंक्लूजन यही है, अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले तो शांत रहो, स्ट्रेस मत लो, सभी के साथ होता है, ठीक है, सिर्फ आप ही के साथ नहीं हो रहा है। अपने प्रॉब्लम के बारे में डीपली पता करो, इंटरनेट पे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कभी भी किसी भी एक ही यूट्यूबर पे ट्रस्ट करो, उसी की वीडियो देखो और उसी के ट्रीटमेंट को फॉलो करो, और पेशेंस रखो, सबसे बड़ी बात होता है पेशेंस रखना, क्योंकि किसी भी मेडिकेशन के इफेक्ट को बिल्ड होने में ना हमारे स्किन के ऊपर 3-4 हफ्ते लगते ही है, उसी के बाद रिजल्ट्स आपको अपनी स्किन के ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है, तो पेशेंस रखो। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, मुझसे कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, हर जगह पे हर किसी को मैं रिप्लाई करता हूं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। ठाड़ा जालू भेड़ चुप रहे ना। अगर आपके स्किन के ऊपर टाइनी बम्स है ना, तो सबसे पहले टिप मैं आपको यही दूंगा, मेक श्योर जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो नॉन कोमेडोजेनिक जो प्रोडक्ट होते ना, ये स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करते, अगर आप इन्हें नॉर्मल वाटर से भी वॉश करोगे ना, ब्लॉक कर देते जो नॉन कोमेडोजेनिक। और अगर आप इन्हें टाइम पे ट्रीट नहीं करोगे और हाँ, आज की वीडियो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है।